दोस्तों आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसा कमाने का जरिया मिल जाए जिससे वो घर पर बैठकर ऑनलाइन पैसा कमा सके और ऑनलाइन अपना कैरियर बना सके। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप घर बैठे अपना ऑनलाइन कैरियर बना सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ऑनली टैग। आज की वीडियो में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं बात करने वाला हूं, ये ऑनलाइन अर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक दिन में कमाई स्टार्ट हो जाएगी या आपने रात कोई कोई काम स्टार्ट किया और सुबह ही आपको पैसा मिलने लग जाएगा। यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब आप पैसा अच्छा खासा कमाने लग जाओगे। तो आप ट्राई करो, ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ट्राई करना बिल्कुल फ्री होता है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, और वो भी ऑनलाइन एजुकेशन की। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी स्किल्स है कि आपको मैथ अच्छी आती है, साइंस अच्छी आती है, या आपको इंग्लिश अच्छी आती है, या आप ड्रॉइंग बनाना जानते हैं, पेंटिंग बनाना जानते हैं, कुछ भी आपको ऐसी चीज जिससे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप अनअकैडमी पर पढ़ा सकते हैं, इसी तरह के बहुत सारे और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आप खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी आप वीडियोज बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगेगी। इसके अलावा आप अपने कोर्स बना सकते हैं, कोर्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप वेबसाइट बनाइए, उस पर कोर्स लिस्ट कीजिए और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उनका एडवर्टीजमेंट करा के सेल कर सकते हैं, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। udemy.com पर भी आप अपने कोर्स सेल कर सकते हैं। अगर आप कोर्स भी नहीं बनाना चाहते तो आप ईबुक्स बना सकते हैं। ईबुक्स एक तरीके के नोट्स होते हैं, जैसे नोट्स होता है ऐसे एक ईबुक होती है, फिर आप समझ लीजिए जैसे किताब होती है, वैसे एक किताब होती है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होती है, पीडीएफ में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और आप इसे इंस्टा मोजो के जरिए बेच सकते हैं। डायरेक्ट जो आपका खरीदार होगा वो आपको पेमेंट कर देगा, इंस्टा मोजो एक पेमेंट गेटवे, और यहाँ से बहुत सारे ई बुक्स लोग सेल करके पैसा कमाते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा मोजो यूज नहीं करना चाहते तो आप अमेजन किंडल का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपनी ई बुक्स सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी अच्छा जरिया है पैसा कमाने का। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, आपको लगता है कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, तो आपको स्टार्ट बिल्कुल करना चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग का दूसरा तरीका है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। हालांकि हर कोई चाहता है कि वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, लेकिन वो ये कर नहीं पाता है क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफी टिपिकल होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ काफी टाइम भी आपका लगता है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी एप्लीकेशन बता देता हूं, यह है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन पर आप डीमेट अकाउंट कुछ ही मिनटों में खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, और आपसे कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड नहीं होगी। और आपको तो पता ही है ग्रो ने अभी स्टॉक्स भी लॉन्च कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने स्टॉक्स लॉन्च किया, पहले 3 महीने के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो गए थे। अब मैं समझता हूं कि यार किसी भी कंपनी के लिए शुरुआत में ये सबसे ज्यादा है। ग्रो का जो इंटरफेस है वो काफी आसान है, बहुत इजी है, आपको सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड मिल जाते हैं। इसके अलावा टॉप गेनर, टॉप लूजर सभी आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप एक ही क्लिक में शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ये कहते हैं कि हम फटाफट से आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे, बट सारे प्रोसेस पूरा होने के बाद भी वो आपसे कहेंगे कि हम आपको आईडी पासवर्ड 48 आवर बाद देंगे या 72 आवर बाद देंगे। बट ग्रो में ऐसा नहीं है, ग्रो में आप प्रक्रिया पूरी करें, ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है कुछ ही सेकंडों में पूरी हो जाएगी और उसके कुछ ही मिनटों में आप डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ग्रो में अभी एक नई चीज भी आई है, वो है इंट्राडे। आप इंट्राडे में भी पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे का मतलब यह कि जो भी शेयर आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो दिन पूरा होने तक आपको उस शेयर का सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको बेचना पड़ता है, और आप बेचते हैं तो आपको खरीदना पड़ता है। और यहां पे अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, तो आपको पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आपको एटैक्स मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, यानी आप 100 रुपए लगाकर 800 रुपए पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आपको एटैक्स मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाइए, आप ग्रो को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन अर्निंग का तीसरा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, इसको मैं खुद बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, और ये है अफिलिएट मार्केटिंग। अब हमने अभी तक यही सुना होगा कि अमेज़न से अफिलिएट मार्केटिंग होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अमेज़न के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जितनी भी शॉपिंग साइट है सभी आपको अफिलिएट मार्केटिंग करने का ऑप्शन देती है। इसके अलावा जितनी भी टूरिज्म की वेबसाइट्स है वो भी आपको देती है। इसके अलावा
आपको बहुत ज्यादा अगर हाई अर्निंग करनी है तो मैं आपको बता दूं क्लिक बैंक और जेवीजू बहुत ज्यादा अफिलिएट अर्निंग देती है, यानी कि जो परसेंटेज कमीशन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब का भी नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अमेजन पे तो मैंने खुद ही वीडियो बना रखा है, बाकी का भी अगर आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्लिक बैंक से कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जेवीजू से कैसे करते हैं, तो आपको वो तरीके मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में टूल्स की बात कर रहा हूं, इन टूल्स की मदद से आप अफिलिएट मार्केटिंग करके भी काफी पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का चौथा तरीका है सेल योर सर्विस, आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आप अपने घर बैठकर आप चाहे तो upwork.com पे जा सकते हैं, चाहे तो freelancer.com पे जा सकते हैं और चाहे तो fiverr.com पर जा सकते हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म फ्रीलांस के लिए बहुत अच्छा है, आपके अंदर कोई भी ऐसी स्किल्स है, कोई भी ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं सामने वाले को। आप लोगो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके अंदर स्किल है जो आपने एक्वायर की हुई है उसको आप यहां पे सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस को, और आप गिग क्रिएट कर सकते हो और इन वेबसाइट से भी आपको अच्छा पे आउट मिल सकता है। तो जो मैंने आपको बताया upwork.com, fiverr.com और freelancer.com तीनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म है। fiverr पे मैंने कंप्लीट वीडियो भी किया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं upwork पर भी एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो freelancer पर भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बना के आपको दे दूंगा। बाकी फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये तीनों वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग का पांचवा जो तरीका है इसको भी मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, और ये है आप अपने इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं। आपका अगर कोई इंटरेस्ट है, आप कुकिंग अच्छी करते हैं, आप पढ़ाते अच्छा है, आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप घूमते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप उसका वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं, वीडियो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी, यूट्यूब पे आप वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, आपकी वीडियोस को यूट्यूब मोनेटाइज कर देता है और यहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते तो आज के टाइम में पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा चलन में, आप सिर्फ अपनी ऑडियो के माध्यम से अपना जो इंटरेस्ट है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को कुकिंग करना सिखा सकते हैं, लोगों को आप कहानियां सुना सकते हैं, लोगों को आप शायरी सुना सकते हैं, न्यूज सुना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट के लिए अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो खबरी प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, इंडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी वहां पर क्रिएटर हूं, यूट्यूब पर भी क्रिएटर हूं, तो आप खबरी से भी पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप ना वीडियो बनाना चाहते हैं ना आप ऑडियो के माध्यम से आना चाहते हैं, फिर भी आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है तो आप उसे लिख सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं और वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वहां भी जो आप लिखेंगे अपने इंटरेस्ट की बातें लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसे पसंद करेंगे, तो आप उसको भी एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के ये सारे टूल्स के बारे में मैंने आपसे बात की, मैंने बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बताए। अब किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको अगर पूरा गहराई से जानना है, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका ट्यूटोरियल बना दूंगा। इसके अलावा ग्रो ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।